दोस्तों, आज से बहुत समय पहले जब किसी बड़े आदमी के घर में किसी की मौत हो जाती थी तो बाहर से औरतों को रोने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे लोग रो रहे हैं कि गा रहे हैं समझ में नहीं आता। ये दादी बहुत परेशान थी कि उनकी छोरियों से तो रोया ही नहीं जाता। पहले के समय में लोग अच्छा रोने पे दिल खोल के पैसे व सम्मान दे देते, लेकिन अब मैं इन्हें रोना सिखाऊंगी। वो एक मोटा सा डंडा लेकर अपनी छोरियों को रोने की ट्रेनिंग देने लगी, लेकिन सब व्यर्थ। दादी ने छोरियों को इमोशनल फिल्में दिखाया, रोते हुए बच्चे के सामने बैठा दिया कि अब भी वो सीख जाए रोना, मगर कोई असर नहीं हुआ। तभी एक आदमी आता है, बोलता है, दादाजी आपको मालिक ने बुलाया है। दादी रोना शुरू कर देती है तो बोलता है, अरे दादी आज नहीं कल बुलाया है। ये देखकर छोरी हंस के भाग जाती है। तभी बर्तन गिरने की आवाज आती है, सब लोग घर में दौड़ते हैं तो देखते हैं दादी मरी पड़ी थी। सब रोना शुरू कर देते हैं। तभी दादी आंखें खोलकर बोलती है, ऐसे ही रोना है। पूरी तैयारी से सभी रोने के लिए जाती है। अरे ये क्या, आप भी सुनिए। घर वाले उन्हें भगा देते हैं। दादी को उदास देख के छोरी अपना अपना ईयरफोन दादी को निकाल कर देती है और बोलती है, अम्मा जी ये सब इसकी गलती है। दादी उसे कानों में लगाती है और फिर